नशे का कारोबार, नशेड़ियों और आपराधिक मामलों में अंकुश लगाने को लेकर साहिबगंज पुलिस इन दिनों तीखे तेवर में नजर आ रही है और इसे लेकर लगातार अभियान भी चला रही है। अभियान के तहत साहिबगंज पुलिस ने बीती रात नगर थाना क्षेत्र से 6 युवकों को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिसकी जानकारी साहिबगंज ACP नौशाद आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि नगर थाना क्षेत्र के LC रोड में एक गुप्त स्थान पर कुछ युवक द्वारा ब्राउन शुगर बेची और सेवन कराई जा रही है और यह काम बिना किसी डर के रात 8 से 10 बजे के बीच होता है। इस सूचना के आधार पर ACP नौशाद आलम ने एक टीम गठित कर छापेमारी करने का निर्देश दिया, जिसमें नगर थाना प्रभारी शिव कुमार, जिरफबाड़ी OP प्रभारी चिरंजीत प्रसाद और मुफस्सिल थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश सहित कई पुलिस अधिकारी और सुरक्षा बल शामिल थे। ACP नौशाद आलम ने बताया कि गिरफ्तार किए गए युवकों के पास से ब्राउन शुगर के 5 पुड़िया, 10,500 नगद रुपए, 1 लाइटर, 2 चिलम, ओप्पो कंपनी का मोबाइल फोन, 2 चाकू, 1 कप सिरप, सिल्वर पेपर सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी ब्राउन शुगर के इस्तेमाल के बाद किसी अपराध को अंजाम देने वाला था। ब्राउन शुगर शहर में कहां से आ रही है, इस पर भी पुलिस की कड़ी नजर है। टाउन और जिरुआबाड़ी में चूँकि डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है और उसमें नवयुवक लोग नशीली दवाओं का शिकार है, इसकी सूचना आम जनमानस की तरफ से हमको मिली थी। इसी सूचना के सत्यापन आवश्यक कार्रवाई के लिए जिरुआबाड़ी प्रभारी थे, टाउन के बहुत सारे ऑफिसर लोग हैं, मुफस्सिल के भी प्रभारी को हम लोगों ने लगा रखा था। कल ऑप्स के क्रम में 5 लोगों को डिटेन किया गया, जिसमें से सभी लोग लोकल ही हैं, साहिबगंज जिला के थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं लोग। मोहम्मद अजहर, मोहम्मद अशफाक, फैजली कुरैशी, दानिश आमीन और इरशाद आलम, इन लोगों को जब सर्च किया गया, सभी लोग एक जगह बैठे हुए थे और ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ प्रोविटेड जो दवाएं हैं सिरप के रूप में, उसको भी लोग यूज़ कर रहे थे, बैठ के पास से देख रहे हैं। नगद पैसा 10,500 मिला, मोबाइल फ़ोन मिला है, लाइटर मिला है, चाकू मिला है, बहुत शार्प कटिंग चाकू, बहुत डैगर जिसको बोलते हैं वो मिला है, और गांजा पीने वाली वो चिलम जो होती है वो सभी, बहुत सारी चीज़ें मिली। एक्चुअली ये लोग उसका सेवन कर रहे थे और सेवन करने के बाद फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपराधिक घटनाओं को ये लोग अंजाम देते, तो टीम ने एक अच्छा काम किया है और इन लोगों को डिटेन फिलहाल करके माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोग उपस्थापित कर रहे हैं। चूँकि साहिबगंज जिला का अभी तक मेरा जो खुद का एनालिसिस है, वो में ये हमको समझ में आया है कि कम से कम ब्राउन शुगर का कल्टिवेशन OPM के यहाँ शायद नहीं होता है, किसी ने अभी तक बताया नहीं, और ब्राउन शुगर का एंड प्रोडक्ट है ब्राउन शुगर, जो कहीं ना कहीं OPM से ही आता है, अफीम से ही आता है, अफीम के बाद ब्राउन शुगर बनता है, तो इसका स्रोत या व्यापार कहीं दूसरे जगह से नाव जहाज के माध्यम से लोग बाहर से दूसरे राज्य के अन्य जिलों से ला रहे हैं। हमको लगता है कि मेरा कहने का मतलब बिहार से जो लाते हैं और नाव के माध्यम से, कुछ लिंक हम लोगों को मिला है, वहाँ भी कार्रवाई हमारी ये टीम निश्चित रूप से जाके करेगी। ये नौजुवक नए लड़के सभी लोग इसका सेवन कर गए हैं, जीवन तो अपने खतरे में डाल ही रहे हैं, खास तौर से अपने परिवार को भी, और आपराधिक गतिविधियों में भी लोग लिप्त हो रहे हैं, छोटी छोटी अपराध हो रही है, बोल इन लोगों को खुद को पता नहीं कि हम क्या कर बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। आपके माध्यम से अनुरोध भी करेंगे यहाँ के आम जनमानस को और जो भी बुद्धिजीवी संवर्ग के लोग हैं कि वो लोग मिलके ऐसे जहाँ भी लोग सेवन करने वाले हैं या कहीं बिक रहा है या कहीं मिल रहा है, तो हमारे मोबाइल फ़ोन पर निश्चित रूप से सूचना दें। हम लोग उसमें, ये जो एक्टिव टीम हमने एक SIT का गठन कर दिया परमानेंट, तो कहीं भी ऐसा इन्फॉर्मेशन आएगा, गांजा हो, अफीम हो, चरस हो, हीरोइन का मैटर हो, हीरोइन तो बहुत हाई लेवल का चीज़ हो गया, लेकिन आजकल कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन आदमी किस चीज़ का सेवन कर बैठेगा, और प्रोविडेंट जो दवाई है, चाहे वो कोरेक्स के रूप में हो, सिनारेक्स के रूप में हो, सब निकली दवाई है, दवा है जो इसका इस्तेमाल करने के लिए नशीली पदार्थ के लिए, सारा NDPX के परव्यू में आता है, तो उस पर हम लोग अंकुश लगाएंगे और नवयुवक जो एक दलदल में जा रहे हैं यहाँ के, उनको रोकने का हम लोग सब मिलजुल कर प्रयास करेंगे।
से कितना ग्राम मिला था? ये तो पुड़िया के हिसाब में मिलता है, वो तो बहुत कॉस्टली चीज़ें हैं। देखें एक मामूली से आदमी जिसके पास कोई अर्निंग नहीं है, 10,500 रुपया रखा है जो उसके पास से बरामद, इसका क्या मतलब हो? इसका मतलब यही है कि आप लिए कॉस्टली चीज़ मिलता है कहीं ना कहीं से, फिर ये पैसा आप जमा कर लिए है, चाहे वो आपराधिक गतिविधि से लाए, किसी से छीन के लाए हैं। चूँकि ट्रेन रूट भी है, बहुत पैसेंजर लोग भी आते हैं, तो सारा कंप्लेन कर नहीं पाते हैं, भागने की उनकी तैयारी, अगर पैसा ले लिया, बैग ले लिया, कोई लेके भाग गया वहाँ से स्टेशन से, बहुत सारा लोग अनक्लेम्ड रह जाता है, और इस तरह से ये लोग फल फूल रहे थे। तो इस पर अंकुश जो लगा है, ये रैकेट चल रहा था, अंकुश जो लगा, हमको ऐसा लगता है कि अब यहाँ की आम जनमानस, चाहे पैसेंजर लोग भी ट्रेन से हो, चाहे बस वाले हो, या फिर नाव से चल के इधर व्यवसाय करने के लिए लोग आते हैं, इधर से जाते हैं, वो लोग राहत की सांस जरूर लेंगे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए साहिबगंज झारखंड से अरविंद कुमार की रिपोर्ट।